संत जगावे जीव को मत गयूटे जाग। संत जगावे जीव को मत गयूटे जाग, जागे फिर सोवे नहीं जन दरिया बड़वा। जागे फिर सोवे नहीं जन दरिया बड़वा। बोलो राम जी महाराज। संत जगावे जीव को मति कोई उठे जाग। मति कहते बुद्धि नहीं, जिनकी बुद्धि में संतों की वाणी वचन उपदेश पकड़ में आ जावे, समझ में आ जावे, वही जीव जागता है, वही भजन में साधना में योग में लगता है। और यही जागना है। और संतों की वाणी वचन समझ में आवे उनको ही मनुष्य कहा, वो मनुष्य है। जिनकी वाणी उपदेश समझ में नहीं आए वो लोग क्या है, कैसे हैं? वाणी में खुलासा किया है, दीपक है जा घट उजियाला, ज्ञान गुरु मन चेला है। दीपक है जा घट उजियाला, ज्ञान गुरु मन चेला है। समझ पड़े सो मानुष कहिए नहीं तो माटी ढेला। समझ पड़े सो मानुष कहिए नहीं तो माटी ढेला। बोलो राम जी महाराज। जिनको संतों का वचन शब्द महावाक्य समझ में आवे वो मनुष्य है। जिनके ऐसा सरल ज्ञान भी समझ में नहीं आवे वो ये शरीर माटी का ढगड़ा जड़ा कोई अर्थ नहीं है। बहुत सुंदर प्रसंग है। सूता जीव जगाया, संत जगाने के लिए ही संसार में आते हैं। जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा सुकृत में लागो, यही जागना है। बाकी सब सोता है, सब सोता है, सब जग सोता, संत दास निर्भय खूंटी दान, सब लोग सोया है। जागृत कौन? राम शब्द ले जागिया सो जागिया प्रमाण। जो राम 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 कहते हैं वही भाई बहन जागते हैं। बाकी सब सोता है। देखने में जागृत दिखता है, कोई दुकान पर जागता है, कोई रास्ता पर जाग चल रहे हैं यात्रा में, कोई अपना कारोबार में जागता है, सब जागते हैं। पर गुरुवाणी कहती है वो लोग जागते हैं पर वो माया की तरफ जागता है, माया की तरफ जागता है, उनको सोता के समान बताया है। सच्चा जागृत कौन है? जिनका खुलासा किया है। माया मुक्त जागा सवे सो सोता कर जान, माया मुक्त जागा सवे सो सोता कर जान। दरिया जाग्या ब्रह्म दिशे सो जाग्या परमा, दरिया जाग्या ब्रह्म दिशे सो जाग्या परमा। बोलो राम जी महाराज। माया मुख जागा सब सो सुता, वो तो सब सुता के समान है। वास्तव में जागता कौन है? दरिया जाग्या ब्रह्म दिशो जाग्या परमा, वही सच्चा जागता है। राम शब्द ले जागिया सो जाग्या परमा। जो राम 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 कहता है वही भाई बहन जागते। भागे सब सोता, सब सोता है। गुरुवाणी में चारों को जागृत बताए, चार लोग जागते हैं जिनमें तीन तो जागते थके सोता समान है, एक ही चौथा सच्चा जागता है। वो तीन कौन है जो जागते थके सोए हुए हैं? वो एक ऐसा कौन है सच्चा जागता है? कबीर साहब ने इनका खुलासा किया है के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर रे, के तो जागे रोगी भोगी, के कोई जागे चोर रे, के जागे कोई संत सूरवा लागे नाम से डोर रे, के जागे कोई संत सूरवा
लागी नाम से लो बोलो राम जी महाराज। रोगी शरीर में रोग है, पीड़ा है, कष्ट जखम है, दर्द है, दर्द को लेकर के नींद आती नहीं, जागता है, इसे सकता है वो रोग को लेकर के जागता, उनका जागना जागना नहीं है। दूसरा भोगी भोग भोगने के लिए भोगी जागता है, उनका जागना भी निर्भर है। टीवी के सामने बैठ करके लोग कितने समय जागते रहते, ताकते रहते हैं, वो दो भोग भोग रहा है, भोग को लेकर के जागता है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है, ये दो भोग भोगता है टीवी के सामने बैठ करके, कितने समय जागता है, उनका जागना भी तक है कि वो भोग भोगने के लिए जागता है। और चोर चोर चोरी करने के लिए जागृत रहते हैं, मोहल्ला में गांव में सब लोग सो जावे फिर जाकर के मैं चोरी करूं, इस भाव को लेकर के जागता, उनका जागना भी निरतक है। ए जावे कोई संत सुरवा जिन्हें लागी है नाम से, जिनकी नाम से लगन लगी है वही सच्चा जागृत है। जागो मनुष्य, उनका मौका मिला है, भजन में लागो, सोते सोते बहुत समय बीता है, अब तो जागो, जागने का समय आया है। महापुरुषों ने गाया है, अनाउंस किया, जागो फूल फल चाहिए, तने पान फूल
देवी को सीत को रही देवी को सीत को रही बेली के मन मन पाके करो जन्म मरण में जन्म मरण में सो तो गाइए हम थे तो मोर दीवारा सो तो
जल मत लीजिए बेटा, जल नहीं रख दे, मैं रख जल जल रा जल अंदर में रख दो। बोलो राम। प्यास लगी है थोड़ा सहन करो, समय बहुत महंगा है, पीने में पाने में समय फिजूल होगा। पिछली यूनियन याद करो, खट जल मिलते हो, खट मनवार होती ही। ऐसी ऐसी यूनियन भोग आए, जीवन भर प्यासे रहे, जितने समय जिए प्यासे ही जिए। जंगल में कई जीव जंतु वास करते हैं, उनको कहां जल मिलता है। बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, और जल मिल जाए तो बहुत जल पान कर सकते, इतने प्यासे हैं। पर जितने समय जिएंगे वो प्यासे ही जिएंगे, भूखे भी बहुत है। बड़े प्राणी छोटे प्राणी को खा जाते, निकल जाते, आहार कर जाते हैं, तो वो बड़े प्राणियों से विमित होकर के भूखे प्यासे ही घोंसला में पड़े रहते हैं। सर्दी गर्मी सब सहन करता है, आप हम सब लोग सहन कर आए हैं, वहां से आए हैं, मन जीवन का अवसर पाया है। भजन करो, साधना करो, बाकी यहां से छोड़ती वापस वहीं जाना है। जिद से छूट आए लग चौरासी, भुगत के नर्तन पायो नीट, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशुआ पक्षी कीट। यहां से छोड़ते कहां जाओ, विचार करो। उन दुख से घबरा करके मुमुक्षु लोगों ने गुरु लोगों का शरणा लिया है और करुणा की है। लग चौरासी बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतारो, दुब सहित वो तेरी सहयो, वो दुख परो निवारो। भूरा सा मारो अब को जन्म सुधा, दयालो मारो अब को जन्म सुधा। कबू नहीं बोलूं जस थारो, कबू नहीं बोलूं जस थारो, बुरा सा मार अब को जन्म सुना। हे गुरुदेव, इन दुख से हम बहुत परेशान हुए, इसलिए हम आपकी शरण आए हैं। आपका जन्म का हमारा सुधार करो। जन्म को सुधरना क्या है, बिगड़ना क्या है भाई। अंत में परमात्मा को याद करते करते, गुरु महाराज को याद करते करते, जब शरीर का त्याग किया जाता है तो समझो इनका जन्म सुधर गया है। ऐसा
अंत में बेटा बेटी को याद करता मरता है, हर पद पदार्थ को याद करता मरता है, भाई बंधु को याद करता मरता है। समझ लो इनका जन्म बिगड़ गया है, इनका जन्म बिगड़ गया है। प्रसंग ध्यान देना है, अभ्यास करो। अंत में भगवान की याद ही रहे, गुरु महाराज की सुमृति रहे, उनकी याद में सुमृति में हमारा जीवन पूरा होवे, जन्म सुधर जाना है। अंत में और किसी को याद करते हुए मरे, जन्म बिगड़ जाएगा। क्यों सूतो बारंबारा, अब चेतो रे मूर्ख घिवारा, आखिर एक दिन मरना और साहिब आगे लेखा भरना। एक दिन मरना होगा, जाना होगा, आया निकट समय क्या देरी है भाई। प्रसंग हम बूढ़े लोगों को देखते हैं, बड़ी दया आती, करुणा आती, विराग होता है। बालक जो है उनको ऐसा है कि अभी जवानी आने वाली है, और जवान जो है उनको ऐसा भी बुढ़ापा बाकी है, और बूढ़े लोगों का अब क्या बाकी है, अब तो मौत ही आना, और क्या बचता है, अब तो मरना ही है। प्रसंग ध्यान देना है, कुछ करके मरो, खाली नहीं मरो, रीता नहीं मरो, कुछ करके जाओ, साधन भजन सेवा शुक्र। क्यों सो तो बार में बारा, ये तो मूर्ख आखिर एक दिन मरना, साहिब अगले का भरना। जीवन में जो जो करते हैं उनका परिणाम फल भोगना होगा, इसलिए जीवन में अच्छा कर्म करो, अच्छी करनी करो, करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नहाए, कसर पड़े जो क्यों करो, कबीर ओछी उम्र महा। बाजीगर खेल रचाया, खलक तमाशे आया, बाजीगर कला समेटी, उठ गई कमेटी। संसार बाजीगर का खेल है, बाजीगर चोट में आकर के अपनी बाजी करता है, खेल करता, नाटक करता है। कितने लोगों की भीड़ होती है, वो भीड़ कब तक रहती है, जब तक खेल चलता है। बाजीगर खेल पूरा कर दिया, अपने बाजी को समेट लिया, सब भीड़ बिखर जाती है। ये जग संसार बाजीगर का खेल है, अपने देखते देखते कितने लोगों की भीड़ बिखर गई है, कितने लोग चले गए हैं। आप हम भी जा रहे हैं, यात्रा चल रही है, अभी हम बैठे हुए लग रहे हैं बैठे नहीं, समय जा रहा है। इस समय यहाँ बैठे, वो समय कहाँ है। वाणी में भजनों में गाया जाता है, अपनी आयु का कितना बेग है, सारी उम्र रेल ज्यों जाए। सुन रही सहजनिया ऐसा जाते हैं शब्दों में वचनों में, हम विचार करें तो रेलगाड़ी का बेग कम है, अपनी आयु का बेग ज्यादा है। अरे रेलगाड़ी स्टेशन पर सवारी को लेने के लिए छोड़ने के लिए कुछ समय रुकती है, सामने को क्रॉसिंग तो भी रुक जाती है, और डीजल पानी के लिए ही रुकती है, पर अपनी आयु तो नींद में ही चली जा रही है, नींद में। आदि मृत्यु है, आदि समय अपनी नींद में गई है। रात्रि सारी नींद में ही तो बीती है, रात दिन का 24 घंटा होता है, तो आधा घंटा है, 12 घंटा तो नींद में है। समय में कितनी जल्दी जा रही है। जागो, भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा सुकृत में लागो, और इतनी तो कमाई करो, आता नहीं जगह हाथ रे, जब इतनी तो साधना करो, आगे आगे दूसरा वो जा रहा है, संचो बन गयो है, ज्यादा देरी नहीं है। भजन नहीं करे, साधना नहीं करे, फिर कहां जाओगे। विचार करो, निर्णय करो, इतनी कमाई तो कर लो, मनुष्य शरीर वापस मिल जाए, इतनी कमाई करो, कितनी कमाई है, कितना करने से मनुष्य शरीर वापस मिल जाए।
मनुष्य शरीर को पाने के लिए योग करना पड़ता, साधना करनी पड़ती। कौन योग कौन साधना, कही सगराम माड़ा मोटी बात, दिन दिन का भाग है फेरे वो दिन रात, फेरे वो दिन रात कमाई लागा भारी, के तो मिलसी राम जिन के नर्तन की है तैयारी, मोटा गणा जन्म सी गणा जोड़ सी हाथ, सगराम संसार में माड़ा मोटी बात। भजन करने से पूर्ण जो साधना हो जावे तो परम पद पावे, और सारी वो साधना पूरी नहीं होवे और पहले शरीर का प्राप्त पूरा हो जावे तो फिर मनुष्य शरीर मिले, फिर मनुष्य शरीर पावे। भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्म रही पर रही संत को संत, ऐसा प्रमाण है भाई। और गुरुवाणी में बताया मुक्त पद से भी मनुष्य पद को उत्तम बताया, ऊंचा बताया है। मुक्त पद कैसा है, सुषुप्ति अवस्था जैसा। सुषुप्ति अवस्था कहते हैं गहरी नींद में, ऐसा मुक्त पद है। गहरी नींद में हम जाते हैं तो वहां शांति 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 ही है, कोई क्लेश नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र चिंता नहीं, भूख प्यास किसी का चिंता टेंशन नहीं है, शांति शांति बहुत है। और वहां पुरुषार्थ क्या है, बस पड़े रहो। ऐसा ही मुक्त पद है, मुक्त पद के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं है, पर मनुष्य जीवन में कितना पुरुषार्थ है। ये मनुष्य जीवन में सत्संग होती है, साधना होती है, सेवा सुकृत होता है, इनमें कितना पुरुषार्थ है भाई। आवे आवा गमन बिचे पावे मिन खा दे, रस पीवे गुरु शब्द का भला मुगत सो ये। गुरुवाणी कहते हैं मनुष्य का अवसर पा करके रस पीवे गुरु शब्द का, आवे आवा गमन बिचे जन्म मृत्यु में आवे पर मनुष्य का अवसर पावे है, रस पीवे गुरु शब्द का भला मुगत सो ये। आवागमन में आवे, माँ का गर्भ में तो आना ही पड़ता है ना, गर्भ का कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, पर भाई बहनों जो भजन करता है उनको गर्भ का कष्ट नहीं होता है, उनका सहज जन्म होता है। कर्मी जो जीव है ना वो गर्भ में आता है, उनका गर्भ का कष्ट होता है बहुत। हम देखते हैं कर्मी जीवों का लक्षण समझो कि जन्मते समय माँ की हत्या हो जाती है, बाल का जन्म हुआ उन जन्म से माँ की हत्या हो जाती है, कर्मी जीवों का लक्षण है। बहुत जन्मते बच्चा मर जाता है गर्भ की पीड़ा से, ये कर्मी जीवों का लक्षण है। कि लूले लंगड़े होते, कि अंधे होते, कि ऐसे होते, ये कर्मी जीवों का लक्षण है भाई। भजन करने वाले जो है उनका जन्म सहज होता है, गर्भ का कोई कष्ट नहीं। कर्मों के अधीन होकर के जीव गर्भ में जाता है, उनका गर्भ का कष्ट होता है। जैसे कोई जुल्म करके कोई प्राणी जेल में जाता है, उनकी जेल की मर्यादा में बद्ध रहना पड़ता है, पराधीन रहना पड़ता है, और उन्हें जेल में जेलर देता है, उनको जेल की मर्यादा का कोई लागू नहीं है। अपनी इच्छा से जेल में रहे, अपनी इच्छा से घर बाजार में जाओ, कि वो तो ड्यूटी करता है। अपराध करके जेल में गया, उनकी जेल की कायदा कानून लागू है, जेल कोई लागू नहीं है, तो ड्यूटी करता है ना। ऐसे जीव कर्मों के अधीन होकर के गर्भ में जाता है, उनका गर्भ का कष्ट भोगना पड़ता है। पर जो साधन भजन करके दोबारा मनुष्य में आता है, उनको कोई कष्ट नहीं है, से जन्म। आवे आवा गमन बिचे पावे मिन खा दे, रस पीवे गुरु शब्द का भला मुगत सो ये। मुक्त पद से भी ये मनुष्य पद उत्तम ऊंचा है भाई। मनुष्य का सत्ता करके जीवन में भजन हो, साधना हो, सेवा शुक्र हो तो, और ये नहीं हो तो ये मनुष्य जीवन पशुओं से रद्द है, पशुओं से बेकार है। पशु अच्छा है, पशु पिछाने धनी को अपने खूंटे जाए, नर्तन पाई संत दास घर में राम बुलाए। पशु अपना मालिक ने जाने, अपने मालिक रे आवाज ने पहचान जावे, मनुख नहीं जाने अपना धनी ने कौन अपना धनी है। कभी विचार क्यों है अपना मालिक परमात्मा उनके लिए कभी सोचा है। पशु अपना धनी ने जाने, अपने धनी री आवाज ने पहचान लेवे, पर मिनक ऐसा अभागी है अपना धनी भगवान को नहीं जानता है। ऐसा मनुष्य पशुओं से रद्द है, गया बिता है।
अपने खूंटे जाए, पशु जिस खूंटा पर हमेशा बंदे उन घेरना नहीं पड़े, सो तो उठी जाए खूंटा पर खड़ो रहे, मनुष्य अपना खूंटा पर नहीं रहे। मनुष्य की मर्यादा ही खूंट, मनुष्य के बता मर्यादा, चावे जो खावे, चावे जो पीवे, चावे जो बोले, का मर्यादा। मनुष्य की मर्यादा ही खूंटा है। अरे पशु दाकल माने, फनकार माने, मिनक नहीं माने भाई, वो मिनक पशु से लग है गया था। कहीं खानो कहीं पीनो है, का मर्यादा है। मुंडा में कहीं दबाई उड़ो रहा, आगे दिन उगाड़ दो पशु उगाड़ रही, मुंडो रात तो लाल उड़ो बड़ो गुंडो लागे, का मर्यादा है। ऐसा न करो, मनुष्य जीवन मिला है इनको पवित्र रखो, जो वाणी शास्त्र में निषेध किया है ऐसा खान पान नहीं करो। मद माटी राक्षस को खान, कुत्ता का गला जुमे आन, मानव देह को अन जल भाई और अन जल पाई राम गुण गाई। शराब पीना उस मनुष्य के लिए बहुत वर्जित है, बहुत वर्जित है, ये असुरों के लिए राक्षसों के लिए है। कई जगह सत्संग में ऐसा चर्चा होती है, कई लोग ऐसा बोल देते हैं, फिर नशा पता मनुष्य नहीं करे, फिर बनाया किस लिए भगवान ने? अरे भगवान ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, भगवान ने चारों बने खा कर बने, खाओ तो कौन दे बचे हैं, वो कौन बनाए? भगवान ने तो बनाया है। अरे भूसो खाक लो बनायो पशु आरे वास्ते, नाच बनायो मिनखारे वास्ते, ऐसे नशा पता है ये बनाया है राक्षसों के लिए, असुरों के लिए है। मदमाटी राक्षस को खान, कुत्ता का अगला झोमे आन, मानव देह को अन जल भाई और अन जल पाई राम गुण गाई। आज नशा पता से कितने लोग बचे हुए हैं, खान पान से कितने लोगों की शुद्धि है। ठीक, आप लोग बड़े भागी, संतों का कोई अनिवाई हो, संतों से कोई जुड़ा हो जिनका खान पान शुद्ध है, बाकी सब लोग शराब भी है, सब लोग मांस खा रहे, वो कैसे मनुष्य है? ऐसे लोगों से व्यवहार नहीं करो भाई। आप गुरुमुखी लोग हो जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, उनकी अपनी बेटी ने दो, ने उनकी बेटी लो, ऐसे लोगों की बेटी लोग आपकी संतान बिगड़ जाएगी। पवित्र गरीब भले हो, संस्कारी हो, जिनके पास संपत्ति चाहे नहीं हो, संस्कार अच्छा। लोग धन देखते हैं, संस्कार नहीं देखते हैं, संस्कार देखो। भले गरीब हो, अच्छे लोगों को अपनी कन्या दो और उनकी कन्या लो, कुल का सुधार होगा, परिवार का सुधार होगा। प्रसंग पर ध्यान देना है, पार उतरना चाहिए, केवट से मिल तो रहिए, केवट यो पार उतारे इन भवसागर से तारे, ये संसार सागर से पार होना है, आए? तो केवट से मुलाकात करो, केवट कौन? गुरुदेव संत ही वो केवट है। केवट ही भेदु हो, किधर से लेकर के नोखा करो, किधर जाकर के घाट पर खड़ा करना, वो भेदु जानकार हो, अभेदु नहीं हो। अभेदु होता वो भवन में फंसा करके मारता है, ऐसे भव सिंधु से पार जो चाहिए जाने को, केटू भेदु तलाश कीजिए, घाट और बाट का भेद का मेरे में उसी की नाव पर पाव दीजिए, शब्द की जहाज पर चढ़े सो ध्याय के, पार जावे नहीं पाव भेजे, दास पलटो के कौन मला रहे, भव सिंधु से पार उतर लीजिए। अच्छे महापुरुष का सहना लो, अच्छे सदगुरु का आसरा लो भाई, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पान भूल फल चाहिए तो बेली को सींचतो रहिए, बेली के बन पड़ पाके थारो जन्म मरण भेदे, ये भक्ति ही बेली है, इनको सींचो, इनका सींचने का जल क्या है? अरे सत्संग ही जल है, भक्ति बीड़ा जब उपजे करणी पूरम पूर, सत्संग जल भोग बिना कबीर सुख जावे अंकुर। प्रसंग ध्यान देना है,
किसान खेती में बीज बोता है, एक डब्बे जल मिला वो बीज अंकुरित हो जाता, पौधा लग जाता है। दोबारा समय से अगर जल नहीं मिले तो वो पौधा मुरझा जाता, नष्ट हो जाता है। ऐसे हम जिस दिन गुरु महाराज की शरण गए, नाम की दीक्षा पाई, भजन की आज्ञा ली, भक्ति का पौधा लग गया है, और आप दोबारा समय समय पर सत्संग नहीं करोगे वापस संसारी हो जाओगे, अब वो सब साधना छूट जाएगी। इसलिए गुरुवाणी कहती है, भक्ति बीड़ा जब उपजे करनी ही पूरम पूर, साधना करो। भक्ति बीड़ा यानी पौधो है बगीचो कब लागे, पूर्ण पूर्ण साधना करे और सत्संग जल पोह के बिना सूख जावे अंकुर। सत्संग रूपी जल नहीं मिलेगा, ये भक्ति का पौधा मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनको फल फूल चाहिए तो सींचो, सदा सत्संग करो। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सारे रे, रुचि प्राण पति से उपजे अति लेह सुख अपार। और सत्संग की महिमा को समझ रहा है, जिनको सत्संग की कदर है, कीमत है, वो लाभ से वंचित नहीं रहता है। सत्संग का समय दिया गया था 8 बजे से 10 बजे तक है, खेलो 9:30 बजे आया है। सत्संग की कदर कहाँ है, कहाँ थे? कोई काम काज कारोबार वो तो गौण है भाई, गौण है, उनको मुख्य समझ लिया। सत्संग के कांक के कांक का मतलब प्रसंग पर ध्यान देना है। जीवन में जितना सत्संग करना जरूरी है उतना दूसरा कोई कारोबार जरूरी नहीं है। बहुत बार चर्चा करते ही चर्चा होती है, सो कार्य से शरीर की शुद्धि के लिए स्नान को जरूरी बताया। सो काम बंद करो, शरीर की शुद्धि के लिए पहले स्नान करो। शरीर को अच्छा स्वस्थ रखने के लिए 1000 काम से भोजन को जरूरी बताया। 1000 काम बंद करो, पहले भोजन करो। जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए 1000000 काम से सत्संग सुमन भजन को जरूरी बताया। उनको बंद करो, पहले यह करो भाई। 1000000 काम करते करते जीवन पूरा हो गया तो कहाँ जाओगे, किधर जाओगे भाई? उसी ही परपंच की ओर, उसी संसार की ओर। और उन कार्यों को छोड़ करके थोड़ा सा भी सत्संग कर लिया, सुमन भजन कर लिया, यही करनी, यही कमाई हमारे साथ होगी। इस करनी कमाई को लेकर के आगे जीव की व्यवस्था होगी। सत्संग की महिमा को समझो, पार उतरना चाहिए, केवट से मिल तो रहिए, केवटियों पार उतारे, इन भवसागर से तारे। दर्शन करना चाहिए, दर्पण को मांस तो रहिए, दर्पण में आवे काई, थन दर्शन वेला नाही। उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया है, अपना दिल ही दर्पण है। जैसे कांच में हम चेहरो देखना चाहे और कांच मेला गंदा है, चेहरा नहीं दिख पाएगा। देखना तो उनको सफाई करो, मंजन करो, तब चेहरा दिख पाएगा। ऐसे अपना दिल ही दर्पण है, इस दिल दर्पण में परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार होता है। दिल दर्पण गंदा है, मेरा है, इनको शुद्ध करो, पवित्र करो। अशुद्ध कैसे होगा? साधना से, भजन से, योग से। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल हो, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल धो। यही उपाय है, केवि कबीर साहब वाणी, वाणी में संत है पीछा। कोई साधु, कोई सजन, कोई मनुष्य वही सत्संग की महिमा को, इस वाणी का मर्म को जानता है, समझता। सब लोग वाणी सबके असर भी नहीं करती है, अधिकारी हो उनके ये चोट करती, असर करती, छोट करती है। सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई, वर्षा वर्षे चारों दिशा पर मोती सिपा हो। वर्षा सब जगह वर्षे, सब जगह मोती पैदा नहीं होता है, सीपी के अंदर बूंद घिरे वहां मोती उत्पन्न होता है। ऐसे ही गुरुवाणी को हजारों लोग सुनते हैं, और हजारों लोगों में कोई सीपी के समान कोई मनुष्य जिज्ञासु भाई बहन उनके सब चोट करता, असर करता है, और वो जीव जागता है, भजन में लगता है। कहे कबीर सा वाणी, वाणी ने संत पिछाणी, के या नहीं पति जे उन मूर्ख रो क्या कीजिए। इतना कहने की भाभी भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता, उनको तो कहना ही क्या है। मूर्ख को समझाए ज्ञान क्यों खोइए, ऐसी गुरुवाणी कहती है। अपने ज्ञान की क्यों हानि करना है, क्यों बकवास करना है,
शब्द मिले, विवेकी मिले जो आए के उसी की सुनकर कछु आप कहना, उसी तत्काल का होवे तो बोलिए, नहीं तो सुनकर मौन रहना। शब्द की गाय सुत से दुईले, दई जमाई के तत मेहना, दास पलटू के यार फकीर, अपनी मौज में मस्त रहना। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सत्संग का समय हो गया है, 10 बज गया है, यहाँ से बहुत दूर जाना है।